ऑटो एक्सपो 2023 भारत और मेक इन इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो रहा है और कुछ काफी बड़ी खबरें इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से आ रही हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि हीरो, ओकिनावा, एम्पियर और बेनलिंग के ऊपर चाइनीज स्कूटर्स मेड इन इंडिया के टैक्स से भारत में बेचने के आरोप लगे हैं और इसी के चलते इन चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स को दी जाने वाली PLI भारतीय सरकार की तरफ से रोकी जा चुकी है। इन चारों कंपनीज में से फाइनली कंपनी ने अपनी पावर ट्रेन की इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ काफी बड़े अपडेट सामने रख दिए हैं। ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडियरी कंपनी एम्पियर ने प्रेस में ये इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है कि इनके मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जिस पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीव्स उन कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अब खुद करेगी। कंपोनेंट्स का नाम लेते हुए ऑफिशियल्स ने ये बताया कि सेमीकंडक्टर को छोड़ के बैटरीज, मोटर्स और कंट्रोलर्स का प्रोडक्शन अब एक ही छत के नीचे शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि एम्पियर के अभी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरीज और मोटर्स कहां से सोर्स किए जाते हैं, लेकिन ग्रीव्स के ऑफिशियल के मुताबिक एम्पियर के सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रिटिकल पार्ट्स अब एम्पियर खुद ही प्रोड्यूस करेगी और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स को भी सप्लाई करेगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि ग्रीव्स कॉटन को इंजन प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है और भारत में चलने वाले ज्यादातर डीजल थ्री व्हीलर्स में कॉटन ग्रीव्स के बनाए इंजन का इस्तेमाल होता है। ऐसी ही एक न्यूज एक और भारतीय स्टार्टअप भारत ऑल फ्यूल की तरफ से आ रही है, जिन्होंने स्पेसिफिकली अपने दी अपडेट में ये कहा है कि भारत में लॉन्च होने जा रहे इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मोटर्स और बैटरीज तमिलनाडु में स्थित इनकी प्रोडक्शन यूनिट में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इनके मैन्युफैक्चर टू व्हीलर्स में 80% से ऊपर का इंडिजनाइजेशन होगा। इस नई प्रोडक्शन यूनिट के लिए 250 करोड़ रुपए निवेश किए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये यूनिट उसी जगह पे सेटअप होगी जहां ऑलरेडी ओला, एथर, TVS और सिंपल एनर्जी की प्रोडक्शन यूनिट्स बेस्ड हैं। भारत ऑल फ्यूल के मेड इन इंडिया स्कूटर्स इसी साल के खत्म होने से पहले रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अभी भी चाइनीज स्कूटर्स कम्प्लीटली नॉकडाउन किट की फॉर्म में मंगवाए जा रहे हैं और कुछ छोटे डीलर्स इन्हें भारत में असेंबल करके मेड इन इंडिया के टैक्स से भारतीय मार्केट में बेच भी पा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इन स्कूटर्स पे एक साल तक की वारंटी भी कस्टमर्स को दी जाती है, लेकिन ये वारंटी तब किसी भी काम की नहीं रहती जब चाइनीज स्कूटर्स के डीलर्स अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। पैसा बचाने की बजाय बड़े भारतीय ब्रांड्स प्रेफर कीजिए जो ज्यादा वारंटी देने के अलावा अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी सुनिश्चित करते हैं और ऐसे स्कूटर्स में भारत में बने कंपोनेंट्स इस्तेमाल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। MII कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।